कराची के इलाके फेडरल बी एरिया दस्तगीर ब्लॉक नंबर 14 में अलामा इकबाल पार्क के करीब घर में सिलेंडर धमाका हुआ। धमाके से घर में आग लग गई और घर का आधा हिस्सा मुनहदिम हो गया। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि धमाके के बायस एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी शख्स की शनाख्त अरशद के नाम से हुई। ताहम फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घर में धमाके का मामले पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बताया कि घर में गैस सिलेंडर मौजूद नहीं था, गैस प्रेशर मशीन लगी थी। इब्तदाई तौर पर लगता है का गैस प्रेशर मशीन के बायस हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाड़काना की जानब से जुमतुल मुबारक के पेश नज़र ज़िला भर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। सहरी और अफ्तारी के अवकात में भी पुलिस को चौकस रहने के अहकाम जारी। मशकूक गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स पर सवार अफराद की चेकिंग का अमल शुरू। लाड़काना पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुख्तलिफ मकामात और शाहराहों पर मजीद नफरी तैनात कर दी। तलाश ऐप डिवाइस के ज़रिए मुख्तलिफ मशकूक गाड़ियों और मुशतबा अफराद को चेक किया जा रहा है। चेकिंग में तलाश ऐप डिवाइस के ज़रिए हर मुशतबा शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौके पर चेक किया जा रहा है। नए असिस्टेंट कमिश्नर तौनसा आमिर जलबानी ने चार्ज संभाल लिया। स्टेडियम में आटा पॉइंट का विजिट। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगु करते हुए कहा कि आटा नज़्मो ज़ब्त के ज़रिए तकसीम किया जा रहा है। लोगों की मुश्किलात को देखते हुए लोगों के लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं। मुफ्त आटा हर शहरी को दिया जाएगा। लोगों से दरख्वास्त है कि अपना असली शनाख्ती कार्ड हमलार लाएँ और अमले से तआवुन करें। अटारनी जनरल पाकिस्तान बैरिस्टर शहजाद अता इलाही मुस्ताफ़ी हो गए। अटारनी जनरल पाकिस्तान बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। शहजाद अता इलाही ने इस्तीफ़े में कहा कि वह बतौर अटारनी जनरल पाकिस्तान मजीद काम जारी नहीं रख सकते, ज़ाती वजूहत की बुना पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। सोने की फीतोला कीमत में आज भी हज़ारों रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फीतोला कीमत में 5600 रुपये इजाफा हुआ, जिसके बाद मुल्क में फीतोला सोने का भाव 2,07,500 रुपये हो गया है। आलमी बाज़ार में सोने का भाव 58 डॉलर बढ़कर 1,957 डॉलर फ़ी औंस है।